भले ही उत्तराखंड वो राज्य हो जिसमें दो दो सैनिक विद्यालयों की सौगात मिली हो, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले में स्वीकृत सैनिक विद्यालय पिछले 8 सालों से अधर में लटका हुआ है। मामला जखोली विकास खंड के बड़मा पट्टी के दिगधार गांव का है, जहां साल 2013 और 14 में स्वीकृत सैनिक विद्यालय बनना शुरू हुआ था, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। वहीं सैनिक विद्यालय पर शुरुआत में करीब 10 करोड़ खर्च तो कर दिए गए, लेकिन उसके बाद कार्य ठप हो गया। पिछले 8 सालों से ग्रामीण सैनिक विद्यालय निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सैनिक विद्यालय की बुनियाद पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। वहीं लोगों ने सैनिक विद्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले उग्र आंदोलन की रणनीति बना लिया है। मैं मीडिया के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि लगातार 2016 दिसंबर के बाद जब से ये कार्य बंद हुआ है, क्षेत्र की जनता इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो आक्रोशित है और अपने स्थानीय विधायक जी से बार बार विनम्र आग्रह करने के बावजूद भी कई बार उनको यहाँ पे मंच पे भी आमंत्रित किया गया है, परंतु सत्ताधारी दल के द्वारा अगर सैनिक स्कूल निर्माण में किसी भी प्रकार से जो है जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है, इसके प्रति ये तमाम आज विकास खंड जखोली की जनता के प्रति आक्रोश है। और ये तय किया गया है कि 11 करोड़ रुपया खर्च के नाम पे, जांच के नाम पे जो जनता को गुमराह कराया जा रहा है, ये ठगी कब तक चलेगी और क्यों कार्यदायी संस्था अगर उसे पेनल्टी तय हो चुकी है तो कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हो रहा है। और उत्तराखंड के अंदर ऐसी कई तमाम योजनाएं हैं जिन पे जांच चल रही है और जांच चलने के बाद भी जो है उन पे जो है उनका कार्य जो है प्रगति पे है। लिहाजा रुद्रप्रयाग हम माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वो कम से कम इस ऐतिहासिक संस्थान के प्रति जागरूक हो और जल्द से जल्द 2021 से पहले इस सैनिक विद्यालय का भव्य निर्माण करे। और हम चाहते हैं कि तत्काल हमको यहाँ पे धरना प्रदर्शन और आंदोलन उग्र आंदोलन करना न पड़े, जिसके प्रति जो है कहीं ना कहीं विधायक जी भी की जवाबदेही होगी और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जाहिर शासन की भी जवाबदेही होगी। इसी तौर पर एक लंबा अरसा हो चुका है और सैनिक स्कूल का निर्माण पूरी तरह से अधर में लटका हुआ है। और आज हमारी यहाँ पर एक वृहद मीटिंग हुई है जिसमें बड़वा पट्टी के तमाम गाँव से लोग उपस्थित रहे। और इसके अलावा हम ये भी चाह रहे हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के तमाम गाँव के लोग इस आंदोलन से हम उनको जोड़ें, तो इसकी रणनीति आज यहाँ पर बनाई गई है और संघर्ष समिति यहाँ पर गठित कर दी गई है और सैनिक स्कूल का जो निर्माण है उसको लेकर जो निर्माण कार्य है जल्द से जल्द शुरू हो, उसको लेकर ये संघर्ष समिति अब आगे काम करेगी। अगर सरकार ने जल्द इसके निर्माण में कार्य शुरू नहीं किया उसके बाद हम एक बहुत बड़े आंदोलन की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरे जनपद के लोगों को फिलहाल एक करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2013 और 14 में क्षेत्रीय विद्यालय और सैनिक कल्याण मंत्री हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में सैनिक विद्यालय स्वीकृत करवाया था, जिसमें बड़मा पट्टी के थाती, बड़मा, मुन्ना, देवलाल, डंगवाल गांव, ब्राह्मण गांव और सेम के ग्रामीणों ने 1300 नाली भूमि दान में दी थी। वहीं विद्यालय निर्माण के लिए प्रारंभिक स्तर पर 5 करोड़ मंडी परिषद और 5 करोड़ रुपए सैनिक मंत्रालय से स्वीकृत किए थे, जिसके बाद सैनिक विद्यालय निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को दिया गया था, लेकिन 10 करोड़ में भूमि समतलीकरण भी पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में सरकार ने शिक्षा निदेशालय से जांच करवाई जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई और धरातल पर किए गए कार्यों से अधिक धनराशि खर्च कर दी गई। ऐसे में कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम को 2 करोड़ का रिकवरी नोटिस देकर ब्लैक लिस्ट कर दिया। हम हमेशा यहाँ पर परेशान हैं। हम ऐसे ही सोच रहे थे कि हमारा सैनिक स्कूल बनेगा और हम यहाँ कुछ करेंगे, अपने तन मन धन से यहीं रहेंगे, पर अभी तक इतने साल हो चुके हैं, न तो हमारा मौजा मिला और न तो हमारा सैनिक स्कूल बना। हम तो मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारा सैनिक स्कूल जो है वो बनना चाहिए। बड़ा दुख की बात है, PWD वालों ने हमारा सारा मौजा बंद कर रखा है। देव आपदा आ गई, कहाँ देव आपदा, हमको 2013 में आई थी और ये सैनिक स्कूल अब हुआ है, 3-4 साल हो गए हैं, अभी तक हमारा सैनिक स्कूल तैयार नहीं है। बड़े दुख के साथ हमें रोना आ रहा है कि हम मरे मिटे यहीं पे, लेकिन हमारा सैनिक स्कूल तैयार हो, हमको तो बड़ी रोने की बात आ रही है। हम बच्चों को भी यहीं पे रखेंगे, धरने पे बैठेंगे हम और रोएंगे हम, लेकिन हमारा सैनिक स्कूल बनना चाहिए। हमें सबसे पहले सैनिक स्कूल मिलना चाहिए। हम सब मीडिया भाइयों से यही अर्जी है मेरी कि हम इस सैनिक स्कूल के प्रति लड़ेंगे, मरेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन हमारा सैनिक स्कूल बने और हमारा तमाम जो जमीन कटी हुई है उस जमीन को हम, उस जमीन का मौजा मिलने चाहिए। बड़ा दुख व्यक्त करती हूँ आप लोगों को। धन्यवाद।
गोरे सर, हम वहाँ पर कम से कम अपने अनाज तो उगा सकते थे, बेरोजगार हैं हम, या तो हमारी स्कूल तैयार करो या तो हमें तो जमीन का मुआवजा दो, या तो जमीन हमारी जिस तरह थी वैसे ही करो। सरकारें मार मार आ रही हैं और केवल वोट मांग रही हैं और फिर जा रही हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सैनिक बाहुल प्रदेश के लिए भले ही दूसरी सैनिक स्कूल की सौगात दी हो, लेकिन पूर्व की कांग्रेस सरकार हो या वर्तमान की भाजपा सरकार, दोनों ही सरकारों ने रुद्रप्रयाग जिले में स्वीकृत सैनिक विद्यालय के निर्माण को लेकर भारी उदासीनता दिखाई, जिस कारण अब यहां की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। ऐसे में अब यहां की जनता ने आर पार की लड़ाई करने की ठान ली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।